छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए भाजपा विधायकों ने प्रदेश भर में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को जनता जो कि कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह और भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने उठाया। वहीं अवैध कब्जे के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि बराबसपुर में शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा कर दीवार बनाई जा रही है। ये बात सही है कि अब तक उसे हटाया नहीं जा सका है, इसीलिए पटवारी और आरआई को निलंबित किया जाता है। में ग्राम बरवसपुर में अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिली थी, जिसमें मैंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसमें कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और उसके बाद जाके स्पॉट पे एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, उन्होंने जांच करके उसमें नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के लोगों को जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह नया कानून लाया गया कि 152% पैसा देकर कोई भी जमीन का पट्टा अपने नाम बनवा सकता है। उसके नियम तो हैं कि 2017 के पहले जो काबिज होंगे उनको मिलेगा, परंतु इस सरकार में मंत्रियों का फोन जाता है, हाउस से फोन जाता है, कौन फोन करता है, क्या फोन करता है, पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है।